अब थूजा ऑक्सीडेंटालिस, जैसा कि नाम है, थूजा जो नाम है ना, थूजा नाम ही इसका मतलब ही, ओरिजिन ही इसका है ट्री ऑफ लाइफ, जो इसका कॉमन नेम है, जो हम बोलते हैं ना आर्बोर विटे या ट्री ऑफ लाइफ, ये थूजा से ही ये निकला हुआ है। और आज हम इसी ट्री ऑफ लाइफ के बारे में, क्यों इसको ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, क्या इंपॉर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी हमारी मटीरिया मेडिका में, क्यों इसको किंग ऑफ एंटी साइकोटिक रेमिडीज कहा जाता है, क्यों हनीमैन ने जैसे सोरा के लिए सल्फर रखी है और सिफिलिस के लिए मर्करी रखी है, क्यों साइकोसिस के लिए थूजा रखी है, इसी सब रिलेशंस के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे आज थूजा में। थूजा की प्रूविंग के बारे में एक बहुत ही अच्छी सी एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, जो तुम लोग को पता नहीं, पता हो ना पता हो, थूजा की प्रूविंग जो हुई थी ना, हिस्ट्री ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ड्रग इज अ लिटिल नॉवल। हनीमैन रिसीव्ड इन हिज ऑफिस ऑन वन ओकेजन अ पेशेंट हु कंप्लेंड ऑफ सम सिम्टम्स अबाउट द जेनाइटल ऑर्गन्स व्हिच वर टू से द लीस्ट सस्पिशियस। थूजा की जब पहली बार थूजा की प्रूविंग हुई थी ना, उसके पीछे की एक हिस्ट्री, एक इंट्रोडक्शन की एक हिस्ट्री है, एक स्टोरी है। एक स्टूडेंट आया था डॉक्टर हनीमैन के पास अपनी कंप्लेंट्स लेके। जब हनीमैन ने उसकी कंप्लेंट सुनी ना, तो हनीमैन थोड़ा सस्पिशियस हुए कि ये थोड़ा गड़बड़ है, इसकी कंप्लेंट्स कुछ ओरिजिन इसका कुछ गड़बड़ है। अब वो कंप्लेंट्स क्या थी? थिक प्यूरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरेथ्रा विद बर्निंग और यूरिनेटिंग। यूरेथ्रा से थिक प्यूरुलेंट पस वाला डिस्चार्ज होता था, जिसके साथ साथ डिस्चार्ज के बर्निंग होती थी, ठीक है ना। स्मॉल पिंपल्स अटेंडेंट विद इचिंग अबाउट द ग्लांस पेनिस एंड स्मॉल स्वेलिंग ऑफ द पार्ट्स। अब ये हनीमैन सस्पिशियस क्यों था ये दो सिम्टम्स को देख के? क्या कोई बता सकता है ये दो सिम्टम्स किस चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं? कौन सी डिजीज होती है जिसमें ये दो सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं? कोई बताएगा? गोनोरिया गोनोरिया करेक्ट आंसर। ये दो जो सिम्टम है आर द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया, और हनीमैन ने भी वही सस्पेक्ट किया था। हनीमैन चार्ज हिज पेशेंट विद हैविंग कॉन्ट्रैक्टेड गोनोरिया। दिस वॉज स्टाउटली डिनाइड बाय द पेशेंट हु बाय द वे वॉज अ थियोलॉजिकल स्टूडेंट। ये जो स्टूडेंट था जो हनीमैन पास दिखाने आया था, उसने जब हनीमैन ने उसको बोला कि तुम्हें गोनोरिया हो रखा है, इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इट अकर्स ड्यू टू इम्प्योर कॉइशन, तो उस थियोलॉजिकल स्टूडेंट ने डिनाई कर दिया, बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? कि इसका आंसर इसके थियोलॉजिकल वर्ड में है। थियोलॉजिकल स्टूडेंट्स वो होते हैं जो रिलीजन को पढ़ते हैं, और उस जमाने में थियोलॉजिकल स्टूडेंट्स वो होते थे जो रिलीजियस स्टडी करते थे और आगे जाके रिलीजियस मिनिस्टर्स या प्रीस्ट बनते थे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता था उनकी थियोलॉजिकल स्टडी में, टू नेवर हैव कॉइशन, टू नॉट हैव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एनीबडी। उसने इस बात को साफ डिनाई कर दिया कि ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई कॉज नहीं है मेरी कंप्लेंट्स के पीछे का। हाउएवर ऑन द प्रिंसिपल प्रिवेलिंग इन एवरी कोर्ट टू कंसिडर अ मैन इनोसेंट अंटिल ही हैज बीन प्रूव्ड गिल्टी, हनीमैन डिटरमाइंड टू गिव द यंग मैन नो मेडिसिन एंड डायरेक्टेड हिम टू रिपोर्ट इन 3 डेज। हनीमैन ने उसको एकदम जज नहीं किया, उसको ये नहीं सोचा कि वो झूठी बोल रहा होगा, उसको मेडिसिन नहीं दी और 2-3 दिन बाद फिर आने को बोला कि देखते हैं क्या चेंज इन सिम्टम्स आते हैं। एट द एंड ऑफ दैट टाइम ही केम बैक वेल। हनीमैन वॉज पजल्ड, ही क्वेश्चन्ड द पेशेंट क्लोजली बट फाउंड नो कॉज। 2-3 दिन बाद जब वो पेशेंट हनीमैन के पास, स्टूडेंट फिर से आया, तो हनीमैन हैरान था कि उसको कोई कंप्लेंट नहीं थी, हनीमैन को कोई कॉज नहीं मिला उसकी कंप्लेंट आने का या उसकी कंप्लेंट जाने का, और जो कॉज हनीमैन सोच रहा था वो स्टूडेंट ने डिनाई कर दिया था कि नहीं, ऐसा एकदम साफ मना कर दिया था, नहीं है। इस चीज को जब हनीमैन ने स्टूडेंट से और इंक्वायर किया, एक एक डिटेल्स पूछना चालू किया कि क्या करे हो ये इन 2-3 दिनों में तुम, तब वो स्टूडेंट ने बताया, द यंग जेंटलमैन रिमेम्बर्ड हाउवर दैट एज ही सॉन्टर्ड थ्रू अ गार्डन अ फ्यू डेज बिफोर, ही पिक्ड सम लीव्स ऑफ द आर्बोर विटास एंड च्यूड देम। दिस लेड हनीमैन टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ थूजा। उसने बताया कि जब भी मैं गार्डन में जाता हूं अपने एरिया के, वहां पर आर्बोर विटे, ये जो प्लांट होता है, ये जो ये लीव जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसको च्यू करता था वो, ये उसकी एक आदत बन गई थी। इस वजह से हनीमैन ने फिर इंक्वायर किया कि ये आर्बोर विटे में ऐसा क्या है जो वो ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, तब हनीमैन ने डिस्कवरी करी थी थूजा की।
व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट द थियोलॉजिकल स्टूडेंट हैड टोल्ड द ट्रुथ, तब हनीमैन को रियलाइज हुआ कि वो सच कह रहा था कि ही डिड नॉट हैव इम्प्योर क्वेश्चन. इट वॉज द इफेक्ट ऑफ ईटिंग ऑफ दैट लीव्स ऑफ आर्बोर विटा, एंड दैट इज हाउ थूजा केम इन टू एग्जिस्टेंस. ऐसे ही थूजा की एंट्री हुई थी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में. तब थूजा की प्रूविंग हनीमैन ने स्टार्ट करी ऑन बेसिस ऑफ दिस कि इफ द लीव्स बाय ईटिंग कैन प्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स, इट मस्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सिमिलिया क्योर सच सिम्टम्स. अब हम बेसिक्स पे आते हैं थोड़े. इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है किसी रेमेडी का, आप सब जानते हैं कॉमन नेम क्या है, आर्बोर विटे, ट्री ऑफ लाइफ, वाइट सिजार भी बोलते हैं, फैमिली कॉनिफेयर है इसकी, ये सब जानते हैं. प्रूवर डॉक्टर हनीमैन है, अभी हमने स्टोरी पढ़ी कैसे प्रूविंग स्टार्ट हुई थी, क्या हुआ था. अब इसका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसकी जो ग्रीन लीव्स होती है ना थूजा ऑक्सीडेंटालिस की, इनको पल्प बनाया जाता है, इनको कूट कूट के इनका पल्प बनाया जाता है, और उस पल्प में अल्कोहल मिला के इसका जूस प्रिपेयर किया जाता है, जिससे आगे के प्रिपरेशन होते हैं पोटेंसीज के. द ग्रीन लीव्स ऑफ द थूजा ऑक्सीडेंटालिस आर फर्स्ट ब्रूस्ड टू अ फाइन पल्प बाय देमसेल्व्स, देन अप विद 2/3 ऑफ देयर वेट ऑफ अल्कोहल, एंड देन जूस देन एक्सप्रेस्ड. इट इज मेड फ्रॉम द टिंचर ऑफ द फ्रेश ग्रोन ट्विग्स. ये प्रिपरेशन, मोड ऑफ प्रिपरेशन डॉक्टर हनीमैन की एमएम प्यूरा में लिखी हुई है इंट्रोडक्शन में, और डॉक्टर हनीमैन की एमएम प्यूरा में पहली बार थूजा आई थी. अब ये जो थूजा को हम कहते हैं ना कि ट्री ऑफ लाइफ, इसके पीछे का कोई और बहुत खास रीजन नहीं है ट्री ऑफ लाइफ का. बेसिक रीजन ये है कि फ्रांस में थूजा इंट्रोड्यूस किया गया था स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्ल लीनियस के द्वारा. आप लोग बॉटनी वगैरह पढ़े होंगे तो कार्ल लीनियस का नाम सुना होगा आपने. उन्होंने इस ट्री को लैटिन नाम दिया था थूजा ऑक्सीडेंटालिस का, जिसमें थूजा स्टेमिंग फ्रॉम द क्लासिकल लैटिन वर्ग थिया और थिया मीनिंग आर्बोर विटे और ट्री ऑफ लाइफ. इस थूजा जहां जिस वर्ड से स्टेम किया था थिया, उसका नाम, उसका मतलब होता था ट्री ऑफ लाइफ. वॉज अ जीनस नेम गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एवरग्रीन ट्रीज इन द क्यूपरेसी सिप्रस फैमिली. ऑक्सीडेंटालिस नाम क्यों दिया था, ऑक्सीडेंटालिस का मतलब होता है वेस्ट, और वेस्ट वो एपिथेट था कि ये प्लांट वेस्ट से लाया गया है, वेस्टर्न रीजन से लाया गया है, इस वजह से इसका नाम ऑक्सीडेंटालिस पड़ा था. इस वजह से ट्री ऑफ लाइफ और वेस्ट से लाया गया है तो ऑक्सीडेंटालिस, दैट्स वाई थूजा ऑक्सीडेंटालिस. थूजा ऑक्सीडेंटालिस में ये ट्री ऑफ लाइफ इसलिए भी कहा जाता था बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द ट्रीज टेंडेंसी टू रेजिस्ट रॉट एंड लिव अ वेरी वेरी लॉन्ग लाइफ, समटाइम्स अप टू 800 ईयर्स. थूजा को इसलिए भी ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता था क्योंकि इट हैज अ टेंडेंसी टू लिव फॉर 800 टू 900 ईयर्स. इतना लंबा कोई ट्री या कोई प्लांट नहीं एग्जिस्ट करता है, ये क्वालिटी की वजह से भी इसको ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता था. अब कोई भी एक आदमी एलन की नोट से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करे थूजा को पढ़ना, कोई भी एक हो लाउडस्पीकर पे अपना करके उसको स्टार्ट करे. अमिताभ? यस सर. स्टार्ट करो पहली लाइन से पढ़ना एलन की नोट्स में. ओके सर. एक-एक लाइन पढ़ना. अडैप्टेड टू हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ग्रोवल्स व्हिच इज रिलेटेड टू साइकोसिस एज इफेक्ट इज टू काउज. अब रुक जाओ यहाँ पर. क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है ग्रेवोगल के. अब ग्रेवोगल के बारे में आप लोग पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो, ग्रेवोगल वाज वन हु गिव थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजेनोइड, ऑक्सीजेनोइड और कार्बोनाइट्रोजेनोइड. उन्होंने इन तीन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया था और इसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने रिलेशन बताए थे हनीमैन के माइजम से. एक का सोरा से था, एक का सिफिलिस से था, एक का साइकोसिस से था. और ये जो हाइड्रोजेनोइड है ना, इसको उन्होंने हनीमैन के साइकोसिस माइजम से रिलेट किया था. अब थूजा की आप जब पहली लाइन पढ़ते हैं, इसमें लिखा अडैप्टेड टू हाइड्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेवोगल व्हिच इज रिलेटेड टू साइकोसिस एज इफेक्ट इज टू क्योर, मतलब इफेक्ट इज टू कॉज. अब अगर कॉज साइकोसिस है, पीछे का कॉज माइजम है, साइकोसिस माइजम है, तो उसका जो इफेक्ट आएगा ना वो हाइड्रोजेनोइड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा इंसान में. मतलब मान लो मेरे अंदर कोई टेंट है, बहुत
सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है मेरे अंदर, एक सोरिक है, एक साइकोटिक टेंट है या एक सिफिलिटिक टेंट है। अगर मेरे अंदर वो साइकोटिक टेंट है ना, जो कॉज है, अगर उसका इफेक्ट जो आएगा मेरी बॉडी पे, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करेगा बचपन से, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। अब ये हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और कैसे क्रोवगल ने डिफाइन किया था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिस मच हैज बिकम क्लियर एट एनी रेट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन विच हैव बीन मेड दैट देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी विच इन मेनी केसेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गोनोरियल कॉन्टेजियन। इन मेनी केसेस को यहां पर हाईलाइट क्यों किया है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि उसका कॉज गोनोरियल कॉन्टेजियन है, पर हमेशा जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी कि इफ यू हैव हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन यू मस्ट हैव साइकोसिस इन योर बैकग्राउंड, यू मस्ट हैव गोनोरियल कॉन्टेजियन इन योर बैकग्राउंड। ये हो सकता है, बहुत ज्यादा बार हो सकता है, पर हमेशा होगा ऐसा नहीं है। ग्रोवोगल ने साफ साफ कहा इन मेनी केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, बट वन वुड ग्रेटली अर, एक आदमी बहुत बड़ी गलती करेगा। एज ऑलरेडी सेड इन कंक्लूडिंग देयर फ्रॉम दैट इन दिस मैटर द क्वेश्चन वर ओनली एज टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ साइकोटिक कॉन्टेजियन, सिर्फ उसकी वजह से नहीं है। फॉर द कॉज ऑफ दोज डिजीज विच हनीमैन अरेंज अंडर द हेड ऑफ साइकोसिस इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टेट ऑफ द बॉडी विच इज डिस्टिंग्विश्ड बाय टू ग्रेट प्रपोर्शन ऑफ वॉटर और बाय हाइग्रोस्कोपिक ब्लड। साइकोसिस बशर्ते बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इफ यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज कंसिस्टेंट विद हाइड्रोजेनॉइड यू मस्ट हैव सम साइकोटिक टेंट इन योर बैकग्राउंड। हो सकता है आप साइकोसिस टेंट लेके आ रहे हो, ऐसा बहुत बार होता है, पर ऐसा हर बार नहीं होता है, ये चीज याद रखनी है। हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन मिले, उसके कैरेक्टरिस्टिक मिले, सोचो, इंक्वायर करो, क्वेश्चन करो, हो सकता है साइकोसिस मिले, पर नहीं मिले तो इसको ये मत कह देना कि नहीं साइकोसिस तो होगा ही, कैसे नहीं मिल रहा, हम नहीं ढूंढ पा रहे, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। अब ये हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और ये डॉक्टर ग्रोवोगल ने कैसे डिफाइन किए कॉन्स्टिट्यूशन जो तीन किए। आई ऑलवेज रिकोगनाइज दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी बाय द सर्कमस्टेंसेज अकंपनिंग एनी डिजीज वॉट एवर एंड फॉर विच आई ऑलवेज इंक्वायर एज सून एज द पेशेंट हैज टोल्ड हिज कंप्लेंट। अब पेशेंट आपकी एक कंप्लेंट लेके आपके पास आ रहा है जो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है। अब उस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के साथ साथ उसके और सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि क्या कि गर्मी से आराम है, ठंडी से आराम है, हवा से आराम है, बिना हवा से आराम है, ओपन में आराम है, बंद में आराम है, गर्म चीजें लगाने से आराम है, ठंडी चीजें लगाने से आराम है, ये एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस साथ में उसके क्या है जो डिजीज लेके आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर वॉन ग्रोवोगल ने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया हुआ है। और यही सर्कमस्टेंसेस जो अकंपनी करेंगे वो हाइड्रोजेनॉइड में क्या क्या होंगे वो आप बताया है, जो हाइड्रोजेनॉइड के कैरेक्टरिस्टिक हैं इनको आपको याद रखना है। यही रिलेशन है थूजा का और हाइड्रोजेनॉइड का। द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी आर एग्रेवेटेड बाई एवरीथिंग विच इन एनी वे इंक्रीजेज द एटम ऑफ वॉटर इन द ऑर्गेनिज्म। कोई भी चीज जो वॉटर के एटम को बढ़ाएगी अपनी बॉडी में वो एग्रेवेट करेगी। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ऑल थिंग्स विच आर कोल्ड एंड विच हैव डैम्पनेस और विच हैव वॉटर कॉन्टेंट इन इट विल एग्रेवेट द कंप्लेंट्स ऑफ हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड सो विल एग्रेवेट द कंप्लेंट्स ऑफ थूजा विच इज ऑफ हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। By baths, for example, and that all the same, whether they are mineral baths or simple water baths or whatever increases the attraction of the organic molecules for water, as for example, the eating of animals which have lived in the water, even वो जानवर जो sea में होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे कि fish हो गए, shrimps हो गए, इन सब से भी थूजा को दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि थूजा hydrogenoid constitution का है। क्यों? क्योंकि hydrogenoid constitution को water वाली चीजों से दिक्कत होती है। Simple relation ये है। All diseases in such constitution are increased by cold. पहला characteristic क्या है? सारी चीजें, सारी दिक्कतें ठंड से increase होंगी। Also by cold and cooling food and drinks, ठंडे खाने से, ठंडी drink से, sour milk से, hard egg से, cucumber से, cucumber में भी क्या होता है? Water content ज्यादा होता है। And mushrooms, but chiefly by living near water and especially standing water. अब ये जो mushrooms की बात कर रहा है, ये वो जो वाटर के पास या स्टैंडिंग वाटर के पास उगते हैं जिनमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। कोई भी ऐसी चीज जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें मॉइस्चर ज्यादा है, कोई भी ऐसी चीज जो कोल्ड है, ठंडी है,
वो परेशान करेगी हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन को, वो परेशान करेंगी थूजा को, क्योंकि थूजा का हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। एक और चीज क्या होती है, ठंडे और वाटर वाले कंटेंट के अलावा, अनदर साइन दैट द डिजीज हैज अकर्ड इन सच अ बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन आई फाइंड इन द पीरियोडिसिटी ऑफ इट्स फिनोमेना एंड चीफली इन इट्स इररेगुलर एंड पैरोक्सिज्मल कॉज। थूजा के कंप्लेंट्स में या हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन जिनका होता है, अब ये बात याद रखना कि हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ थूजा का नहीं होता है, हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन और भी रेमेडीज का होता है। कोई बताएगा और कौन कौन सी रेमेडीज है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन हाइड्रोजेनॉइड होता है? नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ एकदम करेक्ट आंसर। और डलका मारा नेट्रम म्यूर। बिल्कुल करेक्ट, डलका मारा नेट्रम म्यूर, बहुत अच्छे। तो आपको ये देखना है कि ये हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ये चीजें होती हैं, पर हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी रेमेडीज हैं। अब वो हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन पोजेस कर रहा है तो आपसे क्या होगा, इसमें प्रैक्टिकल यूज क्या है, यू विल हैव नैरोड डाउन द मेडिसिन। आपको पता चलेगा कि देखो ये इसका ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये मेडिसिन बहुत प्रोमिनेंट है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में, और हम उनके बीच सोचते हैं। फिर जो टोटैलिटी है, देखो कहीं वो थूजा के टूवर्ड्स तो नहीं लीड कर रही है, कहीं वो आपकी नेट्रम सल्फ के टूवर्ड्स तो नहीं लीड कर रही है, डलका मारा के टूवर्ड्स तो नहीं लीड कर रही है। अब ये आगे आप डिसाइड करोगे, लेकिन ये एक ओपनिंग डोर होता है केस का, ये एक दरवाजा है जिससे आप इतने मेडिसिन से इतने मेडिसिन पे आ सकते हो, ये वो जरिया है। तो इसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ी हमने हाइड्रोजेनॉइड में, और इसका मैं अभी तुम्हें मटेरियल से भी एग्जांपल दिखाऊंगा कि कहां अलग अलग स्टॉलवर्ट्स ने इसकी इंपॉर्टेंस बताई है, ये हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन की और ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स की। आगे हम डिस्कस करेंगे क्या है, ठंडी चीजें, मॉइस्चर वाली चीजें, पानी वाला कॉन्टेंट जिनमें ज्यादा हो, और पीरियोडिसिटी, इरेगुलर पैरोक्सिज्मल इंटरमिटेंट कभी भी हो जाना, ये वाली चीज, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक है हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन की। और हाइड्रोजेनॉइड साइकोसिस से रिलेटेड है, पर हमेशा नहीं है, हो सकता है हो नहीं भी सकता है। अगर ईबी नैश किताब पढ़ी हो तो ईबी नैश एक इंट्रोडक्शन देता है 4-5 पॉइंट में मेडिसिन का, फिर उसका डिस्कशन करता है। तो उस इंट्रोडक्शन पार्ट में मोडालिटीज में तुम देखोगे लिखा है क्या, एग्रवेशन कोल्ड डैम्प एयर, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, हाइड्रोजेनॉइड। ये हाइड्रोजेनॉइड लिखने का मतलब है कि हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज एग्रवेटेड बाय कोल्ड एंड डैम्प एयर। डैम्प मींस हैविंग मॉइस्चर इन इट, पानी वाटर कंटेंट है उसमें, ये चीज सिग्निफाई करती है उसकी। अब ये तो हो गया डॉक्टर ईबी नैश का। अब अगर तुम साइनोप्टिक कीनोट बाय बोगर पढ़े होगे तो उसमें एक तरीका है डॉक्टर बोगर का लिखने का। पहले वो बताते हैं ये लेफ्ट साइड में तुम देख रहे हो रीजन कि कौन कौन सा स्पीयर ऑफ एक्शन, कौन कौन सी रीजन है जहां वो सबसे ज्यादा एक्ट करता है। फिर वो राइट साइड में बताते हैं कि उसका एग्रवेशन और एमलरेशन क्या है, बेटर और वर्स बाय। तो इसमें वर्स बाय में सबसे कैपिटल्स में सिर्फ एक चीज लिखी है, क्या लिखी है, कोल्ड एंड डैम्प। This, और फिर सेकंड क्या लिखा है, पीरियोडिकली 3 AM ईयरली इंक्रीजिंग मून ड्यूरिंग मेंसेस। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या दिखाते हैं, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक है जो अभी हमने पढ़ा है, हाइड्रोजेनॉइड की, एग्रवेटेड बाय कोल्ड डैम्प, पीरियोडिकली 3 AM कभी भी हो जा रहा है, पैरोक्सिज्मल है, इंटरमिटेंट है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, ये चीज सिग्निफाई करी गई है यहां पर। नीचे देखो यहां पर इसमें यह भी लिखा है साइकोटिक हाइड्रोजेनॉइड और लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये साइकोटिक हाइड्रोजेनॉइड वही रिलेशन है, हाइड्रोजेनॉइड मीन साइकोटिक ओनली, लिम्फेटिक की भी बात करेंगे आगे हम जाके। तो इसमें ये चीज हमें ध्यान देनी है कि मटेरिया में भी ये इंडिकेशन है जो लीड करते हैं हाइड्रोजेनॉइड। हमने पढ़ लिया हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, हम क्या करें, याद कर लिया हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि एलन ने पहली लाइन में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है रिलेशन साइकोसिस के साथ एज एफेक्ट इज टू कॉज। ये इंपॉर्टेंस है, ये ओपनिंग डोर है हर मटेरिया मेडिका में, शुरुआत में ये लिख रहा है क्योंकि ये आपको नैरो डाउन करने में हेल्प करता है मेडिसिन को, इसलिए इसका इतना इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे एक एक लाइन की इंपॉर्टेंस देखते हुए हमें एलन की नोट्स पढ़नी चाहिए। ये वो बुक है जो तुम्हें तीन कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर वॉन ग्रोवोगेल की है, एक छोटी सी बुकलेट है ये,
बहुत छोटी सी आती है ये, ठीक है ना, इसको खरीद लेना, ये तुम्हें वो तीन हाइड्रोजेनॉइड, कार्बन हाइड्रोजेनॉइड और ऑक्सीजेनॉइड, वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है, ये जरूर होनी चाहिए आप लोग के पास। ये पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजेनॉइड बोल रहा है तो क्या बात कर रहा है, ऑक्सीजेनॉइड बोल रहा है तो क्या बात कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजेनॉइड बोल रहा है तो क्या बात कर रहा है, ये बुक बताएगी आपको क्या बात कर रहा है। अब आगे वाली लाइन पढ़ो, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, एक लाइन होगी, नेक्स्ट लाइन पे आओ। थूजा बियर्स द सेम रिलेशन ऑफ द साइकोसिस ऑफ हैनमैन फिगवर्ट कॉन्डिलो माटा एंड वाट लाइक एक्सक्रेशंस अपॉन म्यूकस एंड क्यूटेनियस सर्फेसेस दैट सर्फर डज टू सोरा और मर्क्यूरी टू सिफिलिस। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला गया है कि थूजा वही रिलेशन करता है साइकोसिस से जो मर्करी करता है सिफिलिस से, डॉक्टर हैनमैन के द्वारा जो बताया गया है, और जो सोरा से करता है सल्फर। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये समझो, जो सेकेंड ईयर है उसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि उन्होंने माइजिन कॉन्सेप्ट कम पढ़ा है। मैं तुम्हें एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हैनमैन ने तीन माइजन डिफाइन किए थे, सोरा सिफिलिस साइकोसिस। इन तीन माइजन के लिए, इन तीन माइजमेटिक स्टेट्स के लिए हैनमैन ने एक स्पेसिफिक रेमेडी बताई थी। एक की बताई थी क्या, सल्फर सोरा की, एक की बताई थी सिफिलिस की मर्करी, और साइकोसिस जो स्टेट था हैनमैन के माइजन था उसके लिए हैनमैन ने थूजा डिफाइन करी थी। तो ये वही बोल रहा है यहां पर कि जैसे सोरा के सिम्टम्स जो होते हैं उसके प्रीडोमिनेटिंग रेमेडी आती है सल्फर, सिफिलिस के सिम्टम होते हैं उसके प्रीडोमिनेटिंग रेमेडी आती है मर्करी, वैसे ही जो साइकोसिस है, जो आप आगे आप जाके पढ़ेंगे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले पढ़ रहे होंगे, इंटर्नशिप वाले पढ़ चुके होंगे, ये साइकोसिस के सिम्टम्स जो हैं उससे जो सबसे ज्यादा मैचिंग इमेज रखता है, सिमिलिया रखता है, वो है थूजा। यहां वो चीज को रेफर करना चाह रहा है। और आगे अब हम मैं रेफरेंसेस दिखाऊंगा कि कहां हैनमैन ने ये स्टेट किया है कि व्हाट इज साइकोसिस एंड हाउ इट रिलेट्स विद थूजा। अगर आपने साइकोसिस को हैनमैन के क्रॉनिक माइज़म की एक बुक आती है जो क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, जिसमें माइज़म डिफाइन किए हैं, उसमें ये साफ साफ हैनमैन ने लिखा हुआ है कि द गनोरिया डिपेंडेंट ऑन द फिगवर्ट माइज़मा एज वेल एज द अबव मेंशनड एक्सक्रीरेंसेस दैट इज द होल साइकोसिस, पूरा साइकोसिस जो है, आर क्योर्ड मोस्ट श्योरली एंड मोस्ट थरली थ्रू द इंटरनल यूज ऑफ थूजा विच इन द केस इज होम्योपैथिक। ये जितना भी होल साइकोसिस का पूरा मैनिफेस्टेशंस हैं, जिसमें खासकर क्या दिखता है, फिग वॉर्ड्स दिखते हैं, या गनोरिया के जो कोंडलोमेटा है ये सब दिखता है, या जितने भी सिम्टम्स हैं पूरे साइकोसिस में, दैट इज द होल साइकोसिस, किससे क्योर होगा, श्योरली थूजा से, इंटरनल यूज ऑफ थूजा, नॉट एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज के बारे में हैनमैन ने आगे लिखा है जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इंटरनल यूज बोला है। यहीं पर हम इतना एक्सटर्नल यूज का हम गलत इस्तेमाल देखते हैं आजकल के जमाने में, व्हाट हुआ है, बाहर से थूजा लगा लो, थूजा टिंचर, थूजा की क्रीम। यहां पर अगर एक्सटर्नली ही बोलना होता, ये इंटरनल यूज नहीं लिखता डॉक्टर हैनमैन यहां पर, खासकर थ्रू द इंटरनल यूज ऑफ थूजा। थूजा यूज ऑफ थूजा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पता था कि थूजा को एक्सटर्नली यूज कर देंगे, ये गलती करेंगे। अब आर क्योर्ड मोस्ट श्योरली एंड मोस्ट थरली थ्रू द इंटरनल यूज ऑफ थूजा विच इन द केस इज होम्योपैथिक। इस वजह से यूज कर रहे हैं थूजा क्योंकि दैट केस में वो होम्योपैथिक है। साइकोसिस के कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम से थूजा के साइन एंड सिम्टम मैच कर रहे हैं। अंधा चुक्का नहीं हम थूजा दे रहे हैं कि जब मन में आया थूजा दे दी, दैट इज होम्योपैथिक इन नेचर, वो सिमिलिया है, इस वजह से थूजा चूज कर रहे हैं और कोई रीजन नहीं है। सोरा में सल्फर इसीलिए यूज होती है क्योंकि होम्योपैथिक है, मर्करी सिफिलिस में इसलिए यूज होती है क्योंकि होम्योपैथिक है। इन अ डोज ऑफ फ्यू पैलेट्स, अब इसमें डोज के बारे में बताया कैसे देंगे, क्यों देंगे। आगे क्या बताया है, अल्टरनेटिंग विद जस्ट एज स्मॉल अ डोज ऑफ नाइट्रिक एसिड। दो दवाइयां बताई हैं, पहले थूजा के बाद अल्टरनेट करना है किससे, नाइट्रिक एसिड से, इन ऑर्डर टू रिमूव द गनोरिया एंड एक्सेसिस दैट इज द होल साइकोसिस। ये प्लान था हैनमैन का साइकोसिस डिजीज को क्योर करने का, थूजा और नाइट्रिक एसिड को अल्टरनेट करके देते थे डॉक्टर हैनमैन, ठीक है। अब एक चीज में बहुत हमें केयरफुल रहनी है, अब हमने ये नहीं देखना है कि बस साइकोसिस के सिम्टम्स दिख रहे हैं थोड़े बहुत तो हम थूजा ही दे दें,
तुरंत निकाल के, उसमें आप मैथमेटिक थ्योरी जब पढ़ोगे और इसके बारे में पढ़ोगे जो हम भी बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें डिस्कस करना सही नहीं है, इसमें बस ये समझना है कि क्यों वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि इट करस्पॉन्ड्स टू साइकोसिस ऑफ हनीमैन, इस वजह से लिखा हुआ है, ये बात हमने समझ ली। अब हमें इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है जिसमें हमें केयरफुल रहना है कि प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस है, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन है, टर्शियरी मैनिफेस्टेशन है, कहीं वो साइकोसिस जो हमने यहाँ पर इस पॉइंट में लिखा है सोरा से या सिफिलिस से कंबाइंड तो नहीं है, ट्राईमाइजमेटिक या डुओमाइजमेटिक स्टेट काइंड ऑफ कंप्लेंट तो नहीं है कि साइकोसिस और सोरा मिला हुआ है, सिफिलिस से साइकोसिस सोरा तीनों है। तो वहां पर हनीमैन ने केयरफुल रहने को बोला है कि जो प्रीडोमिनेटिंग होगा उसको पहले ठीक करना है। देन इट इज नेसेसरी फर्स्ट टू कम टू असिस्टेंट ऑफ द मोस्ट अफ्लिक्टेड पार्ट, जो सबसे ज्यादा अफ्लिक्टेड पार्ट है, जो सबसे प्रीडोमिनेटिंग पार्ट है, पहले उसकी टोटालिटी लेके उसको हटाओ, फिर ऐसे लेयर बाय लेयर हटाना है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे आप समझोगे, अभी बस इतना समझना है क्यों हनीमैन ने यहां पर डॉक्टर एलन ने साइकोसिस को ऐसे बताया है, थूजा को डॉक्टर हनीमैन ने क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि ये हमने जो पढ़ा अभी इसमें, क्योंकि डॉक्टर हनीमैन ने साइकोसिस बताते हुए उसका क्योर बताते हुए ऐसा लिखा है अपनी क्रॉनिक डिजीज में। अब डॉक्टर केंट ने भी इसके बारे में रिमार्क किया है, यहां रिमार्क की स्पेलिंग गलत है, थूजा लीड्स ऑल मेडिसिन फॉर सिम्टम्स कमिंग फ्रॉम सप्रेस्ड फिगवॉर्ट्स। अब यही फिगवॉर्ट्स है, यही गनोरिया है, यही कॉन्डाइलोमेटा है, यही वॉर्ट्स है, ये आ रहे हैं आपके पास, एक आते हैं प्योर स्टेट में, पहली बार आया आपके पास सीधे दिखाने आ गया एज अ होम्योपैथ, आपने देखा कई बार, एंड कई बार क्या 90% ऑफ द टाइम्स इट अकर्स कि 15 जगह से उस वॉर्ट्स को कटवा के, कॉटराइज करवा के, 50 तरीके की दवाई खा के फिर तुम्हारे पास आएगा, यहीं पर वो सप्रेस करके आएगा, अपनी बीमारी को सप्रेस करवा के आएगा। यहीं पर डॉक्टर केंट ने रिमार्क किया है, थूजा लीड्स ऑल मेडिसिन फॉर सिम्टम्स कमिंग फ्रॉम सप्रेस्ड फिगवॉर्ट्स। और यहीं पर एलन की नोट्स में अमिताभ तुम देखो आगे लिखा होगा जहां इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन लिखा है चौथी लाइन में, वहां उसके बाद एक और चीज लिखी है उसको पढ़ो, सर फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, उसके बाद वाला जो लाइन लिखी है उसी के जस्ट बाद, फ्रॉम सप्रेस्ड और माल ट्रीटेड गोनोरिया, फ्रॉम सप्रेस्ड और माल ट्रीटेड गोनोरिया, यहाँ फिगवॉर्ट्स लिखा है वहां गोनोरिया लिखा है, यही पॉइंट सिग्निफाई कर रहा है, ऐसा गोनोरिया का केस, ऐसा फिगवॉर्ट्स का केस, ऐसा कॉन्डाइलोमेटा का केस, ऐसा वॉर्ट्स का केस जो सप्रेस करवा दिया गया हो इल ट्रीटमेंट करवा के, कॉटराइज करवा के, या जो गलत वे ऑफ ट्रीटमेंट से, नॉन होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट से, एंटीपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट से ट्रीट किया गया हो और वो सप्रेस होके अब कुछ और मैनिफेस्टेशन दिखा रहा हो, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन और या टर्शियरी मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस, जो हम माइजमेटिक थ्योरी में पढ़ते हैं, वैसा कुछ हो तो थूजा इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट, एंड यहां पर डॉक्टर केंट ने क्या बोला, लीड करती है सारी मेडिसिन में थूजा, ये उसी चीज को रिमार्क करने के लिए बता रहा है। अब आगे हम एक और कॉन्सेप्ट को समझना चाहेंगे इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने दो चीजें समझी, हाइड्रोजेनॉइड और थूजा का रिलेशन पढ़ा, साइकोसिस हाइड्रोजेनॉइड का रिलेशन पढ़ा। हाँ सर, सर हाँ, एक चीज पूछना था सर, यहाँ पे कॉन्डाइलोमेटा मतलब क्या होता है? अगर तुम गोनोरिया पढ़ोगे आगे पढ़ोगे ना जाके, अभी ये आगे डिजीज होती है, ये इसमें कॉन्डाइलोमेटा एक मैनिफेस्टेशन है उसका, आगे जब तुम पढ़ोगे तो इस बारे में पढ़ोगे, अभी इसलिए मैंने बोला ना सेकेंड ईयर के लिए थोड़ा ये चीजें समझना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये आप डिजीजेस अभी नहीं पढ़े हैं उतनी, आपने गोनोरिया अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप ये चीज समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन अभी आपको बेसिक समझना है कि यहाँ एलन में लिखा है और क्यों लिखा है। आगे जैसे जैसे पढ़ते चले जाओगे ना, जब आगे तुम गोनोरिया पढ़ोगे, जब आगे तुम माइजम्स पढ़ोगे, तब अगर तुमने एलन ऐसे पढ़ी होगी ना तो तुम रिलेट कर पाओगे कि हाँ देखो एलन में ऐसा लिखा था, अब समझ में आ रहा है क्यों लिखा था, इस मटीरिया मेडिका में थूजा का इससे रिलेशन लिखा था, अब समझ में आ रहा है क्यों लिखा था, ये रीजन है मेरा अभी थोड़ा इतने डिटेल में जाने का, नहीं जो सेकेंड ईयर में इस डिटेल में पढ़ाना इज नॉट राइट अगर एक्यूरेटली देखा जाए तो, पर इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, इतनी नॉलेज रहेगी तो बाद में रिलेट कर पाओगे, नहीं तो बाद में बहुत ही ज्यादा हैफजार्ड वे में चलता है मामला, क्योंकि मैं भी ऐसे पढ़ चुका हूं और मुझे भी समझ में आती थी, ऐसी दिक्कतें आती थी। ठीक है, दो मिनट बचे हैं, मुझे लगता है एक बार रीजॉइन कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये एक कॉन्सेप्ट और है वो समझ में नहीं आएगा ऐसे, रीजॉइन कर लेते हैं सब लोग।
अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको समझना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमने सेकेंड लाइन पढ़ ली थी, नेक्स्ट लाइन पढ़ो अमिताभ। Act well in lymphatic temperament. In very fleshy person, dark complexion, black hair, unhealthy skin. Ailment from bad effect of vaccination. पहले lymphatic constitution temperament वाली बात करते हैं। क्या लिखा है? Acts well in lymphatic temperament. अब ये lymphatic constitution, lymphatic temperament किसको कहते हैं? Lymphatic temperament वो होता है जो कि a full and rounded frame, but the flesh soft and flaccid. एंड द मस्कुलर फाइबर यील्डिंग एंड रिलैक्स्ड, जिसका मस्कुलर फाइबर बहुत ही रिलैक्स्ड हो, फ्लैसिड टाइप ऑफ फ्लैश हो। ये जो लिखा है ना वहां पर फ्लैशी लिखा है ना, इसका मतलब होता है थोड़ा फैटी और ढीला, जैसे चीक है वो फैट है, थोड़ा फैट इंड्यूस्ड है और टाइट नहीं है, ढीला ढीला है, फ्लैसिड है। सारे मसल फाइबर इसके ऐसे होंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन, लिम्फैटिक कॉन्स्टिट्यूशन के। बहुत ही स्लगिश होता है लिम्फैटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कोई काम नहीं कर सकता, कोई चीज नहीं कर सकता, एक्साइटमेंट नहीं है कोई, कोई एक्सर्शन से दिक्कत है उसको, एनर्जी नहीं है, बहुत ही इनएक्टिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बोलते हैं जिसको, वो होता है लिम्फैटिक। क्या लिखा है? अ फुल एंड राउंडेड फ्रेम बट द फ्लैश सॉफ्ट एंड फ्लैसिड एंड द मस्कुलर फाइबर यील्डिंग एंड रिलैक्स, द सर्कुलेशन इज स्लगिश, द पल्स स्लो एंड स्लगिश, एफेक्शन टू कैटरल डिजीजेस, एब्सेस accumulation of water about various organs, acute diseases are also liable to assume a chronic form and run a slow and tedious course. जो lymphatic constitution या temperament के लोग होते हैं ना, बोलते हैं ना acute diseases तेजी से sudden onset है और आगे तुरंत चली जाती है एक अपने time में, जो ऐसे constitution में acute disease आएगी ना वो भी बहुत ही slow tediously बहुत देर में जाएगी उसमें। क्यों? क्योंकि इतना inactive kind of temperament या constitution है इसका, इतना इनडिस्पोज है ये किसी भी चीज को लेके, किसी भी चीज को एकदम आराम 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 से, वैसे ही उसका फ्लैशी बॉडी है, ढीली ढीली बॉडी है, फैटी थोड़ी सी ढीली, मसल फाइबर रिलैक्स्ड हैं, हर चीज स्लगिश है, पल्स तक स्लगिश है, सर्कुलेशन तक स्लगिश है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन या टेम्परामेंट को हम लिम्फैटिक कहते हैं। वही आगे लिखा है फ्लैशी, जिसमें डार्क कॉम्प्लेक्शन भी बोला जाता है, वैसे लिम्फैटिक इज लाइट कॉम्प्लेक्शन, पर वहां पर डॉक्टर एलन ने बताया कि थूजा में लिम्फैटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही है, टेम्परामेंट तो है ही है, पर वो लोग डार्क हेयर और डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों में ज्यादा मिलता है। ये डॉक्टर एलन का अपना एक एस्पेक्ट है बताने का थूजा के बारे में। तो समझ में आया कि लिम्फैटिक कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोल रहा है वहां पर? ऐसे लोग जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो होते हैं लिम्फैटिक, बहुत ही स्लगिश काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पढ़ो लिम्फैटिक के बाद वाली। हाँ मम्मी, तुषार म्यूट कर लो। Ailment from bad effect of vaccination, from suppressed or maltreated gonorrhea, fixed idea, as if a strange person were. बस, एक लाइन करके, इतनी जल्दी नहीं है, आराम आराम से पढ़ना है। क्या लिखा पहला, क्या पढ़ा उसके पहले? सर फिक्स्ड आइडिया। उसके पहले from bad effect of vaccination, from suppressed and maltreated gonorrhea. बस सप्रेस्ड और माल ट्रीटेड गनोरिया हमने ऊपर बता दिया। अब ये बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, ये लिखा बहुत ही छोटे में है, उसके ब्रैकेट्स में पढ़ोगे एंटीमोनियम टार्ट और सिलिशिया भी लिखी है, दो मेडिसिन और दी है। ये लिखा बहुत छोटे में है लेकिन इस कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है थूजा की मटीरिया पढ़ते समय या थूजा की पूरी पैथोजेनेसिस पढ़ते समय कि जिसकी कोई बात नहीं कह सकते हम। बहुत सारे मटेरिया मेडिका में थूजा को डिफाइन ही वैक्सीनोसिस के अकॉर्डिंग किया गया है। अब ये क्या है, ये इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन किसको कहते हैं और किसने इसके बारे में सबसे ज्यादा काम किया था, ये कॉन्सेप्ट क्या है इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनोसिस का, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे, कैसे ये कॉन्सेप्ट आया और कौन था सबसे बड़ा पायनियर जिसने इसके ऊपर काम किया था। उनका नाम था डॉक्टर जेम्स कॉम्प्टन बर्नेट। बर्नेट ने सबसे ज्यादा, ये ऐसी बात नहीं है कि बर्नेट ने ये चीज इंट्रोड्यूस करी थी, इंट्रोड्यूस इसके पहले, सबसे पहले अगर किसी ने स्मॉल पॉक्स का और इसका थूजा का रिलेशन बताया था तो जानते हो कौन डॉक्टर थे वो जिन्होंने बताया था, कोई बताएगा?
हु वॉज द वन जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन से रिलेटेड स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड थूजा का रिलेशन बताया था कि उसके वेसिकुलर इरप्शन अगर परसिस्ट कर रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद ऐसा कुछ आ रहा है तो थूजा दे सकते हैं. कौन थे वो डॉक्टर कोई बताएगा? उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर बोनिंग हसन. डॉक्टर बोनिंग हसन थे जिन्होंने सबसे पहले इस बारे में लिखा था. अगर कॉम्प्टन ब्रिनेट की आप बुक पढ़ते हैं तो उन्होंने भी सबसे पहले लिखा है कि बोनिंग हसन वॉज द वन हु स्टार्टेड दिस, और उसके बाद उनके बताई हुई बातों पे थोड़ा इन्होंने काम किया और सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया. डॉक्टर जेम्स कॉम्प्टन ब्रिनेट अपनी एक बुक लिखी है उन्होंने इसी से रिलेटेड, वैक्सीनोसिस एंड इट्स क्योर बाय थूजा विद रिमार्क्स ऑन होम्योप्रोफाइलेक्सिस. अब ये वैक्सीनोसिस मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ये इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन हमने पढ़ लिया. अब आप क्या समझते हो इससे? आपको लगता है कि बस वैक्सीनेशन के बाद कोई दिक्कत हो ये दे दो थूजा. ये वैक्सीनोसिस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है ये वैक्सीनोसिस? तो डॉक्टर कॉम्प्टन ब्रिनेट बताते हैं कि दैट देयर एग्जिस्ट अ डिजीज स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज एंजेंडर्ड बाय द वैक्सीनल वायरस द सो कॉल्ड लिम्फ व्हिच स्टेट He proposes to call vaccinosis or the vaccinal state. कभी भी कोई वैक्सीनेशन हुआ उस वैक्सीनेशन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज स्टेट ऐसी जो कि हो सकता है अक्यूटली भी दिखे, हो सकता है जो कि इनर लेटेंट रहे और बाद में जाके एक क्रॉनिक फॉर्म में भी दिखे, इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट को वैक्सीनोसिस बोलते थे डॉक्टर बर्नेट, या वैक्सीनल स्टेट बोलते थे. और इस वैक्सीनल स्टेट का अगर कोई सिमिलिमम वो बताते थे तो क्या बताते थे? थूजा ऑक्सीडेंटलिस. और ये क्यों बताते थे? थूजा इज द रेमेडी ऑफ वैक्सीनोसिस बाय रीजन ऑफ इट्स होम्योपैथिसिटी. जो वैक्सीनेशन के इल इफेक्ट्स के बाद जो सिम्टम्स आते हैं ऑन अ क्रॉनिक वे और इन अ अक्यूट वे, दैट करस्पॉन्ड्स, दैट आर सिमिलर टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ थूजा ऑक्सीडेंटलिस. इस बेसिस पे वैक्सीनोसिस के लिए उन्होंने थूजा को नोटेबल रेमेडी बताया था. अब ये वैक्सीनोसिस जो है, उन्होंने वैक्सीनोसिस को दो तरीके से डिफाइन किया था डॉक्टर कॉम्प्टन ब्रिनेट ने. एक बोलते थे अक्यूट स्टेट ऑफ वैक्सीनोसिस, एक बोलते थे क्रॉनिक और लेटेंट स्टेट. अक्यूट क्या था? अभी जैसे हम पढ़ते हैं ना, अभी ये हम लोग बहुत न्यूज में पढ़ रहे होंगे कि कोविशील्ड लगने के बाद हाथ में दर्द 4-4 दिन तक, फीवर 3-3 दिन तक, उसके अराउंड इरप्शंस आ रहे हैं जहां इंजेक्शन लगा, हो सकता है वो वेसिकुलर हो सकता है वो बाद में पर्सिकुलर बन जाए. ये अलग अलग तरीके के हम जो ये कॉम्प्लिकेशंस पढ़ते हैं ना, इसको डॉक्टर बर्नेट कहते थे अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वैक्सीनोसिस. फेब्राइल रिएक्शन विच अकर्स इन एन ऑर्गेनिज्म आफ्टर वैक्सीनेशन, लोकल फिनोमेना एट द पॉइंट वेयर द वैक्सीनल पस इज इंसर्टेड. जहां वैक्सीनेशन जहां जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे उस लोकल फिनोमेना क्या हो रहा है, वहां पर कोई इरप्शन तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, पेनफुल तो नहीं है, जो अभी हम बहुत सारा देख रहे हैं, बहुत सारा देख रहे हैं हम केसेस में कोविशील्ड और इसमें. और फेब्राइल रिएक्शन, फेब्राइल फीवर आना वैक्सीनेशन के बाद जो अक्यूटली आता है, आज लगी आज से ही आना, कल से ही आना स्टार्ट हो गया, ये अक्यूट फॉर्म ऑफ स्टेट होता है. और ऐसा ही एक तो ये हो गया, उन्होंने डिफाइन किया वैक्सीनोसिस को. एक उन्होंने डिफाइन किया था क्रॉनिक और लेटेंट. इट टेक्स डीप होल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉलिंग फोर्थ एनी लोकल फिनोमेना. उस समय पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई लोकल फिनोमेना नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, एकदम सही से आपने वैक्सीनेशन करवा लिया. एंड नॉट ओनली सो बट सच केसेस में इवन बी वेरी सीवियर इन द इंटरनल डेवलपमेंट, बट अंदर ही अंदर वो सीवियरिटी उसकी इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ दैट वैक्सीनोसिस स्टेट, दैट वैक्सीनल स्टेट, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन को एंडेंजर करने वाला स्टेट है, वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और बाद में जाके वो मॉर्बिड सिम्टम्स दिखा रहा है. जो बोलते हैं ना, नेवर वेल सिंस वैक्सीनेशन. जब से वैक्सीनेशन कराई है तब से कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन लगे ही हुए हैं. और अगर आप वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि वैक्सीनेशन के सिर्फ यही नहीं होते हैं फीवर आना और यही नहीं होते हैं, आगे जाके बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कोलिक, रेस्पिरेटरी ब्रेथलेसनेस, बहुत सारे ऐसे मैनिफेस्टेशन होते हैं जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड होते हैं. अगर आप वैक्सीनेशन डीपली पढ़ोगे या मटीरिया मेडिका में बहुत जगह मेंशनड है ऐसे स्टेट जो वैक्सीनेशन की वजह से आए हैं, तो आप इस बारे में जानोगे. तो क्या है ये वैक्सीनोसिस की बात हो रही है? कि वैक्सीनेशन हुआ
उसके बाद दो तरीके से हो सकता है, एक अक्यूट है उस समय पे उस जगह पे कोई दिक्कत है, फेब्राइल रिएक्शन है, या उस समय कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बाद में जाके कोई दिक्कत पनप रही है। ये दो स्टेट डिफाइन किए थे उन्होंने। अब एक केस है जिसकी वजह से उन्होंने थूजा का ये पूरा जो इनका हुआ ना कि थूजा इज द रेमेडी, ये केस उन्होंने बताया अपनी बुक में। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन और थूजा का रिलेशन समझने के लिए। वेरी अर्ली इन द ईयर 1881 आई वॉज कॉल्ड टू सी अ बेबी इन हार्ले स्ट्रीट अबाउट 10 weeks old। 10 वीक का पैदा हुआ एक बच्चा था, उसकी उम्र थी 10 वीक, पहले ही पैदा हुआ था। उसकी माँ को ऐसा लगा कि उसका बच्चा मर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे 2-3 उसके मिस कैरेजेस हो चुके थे, उसने ऐसा देख रखा था और बच्चों को देख के वो पहचान जाती थी कि हाँ अब ये डेथ होने वाली है। 2-3 उसके मिस कैरेजेस हो चुके थे, 2-3 बच्चे पैदा होने के बाद भी डेथ हो चुकी थी। एंड यू वॉट अ डाइंग बेबी लुक्ड लाइक द वी पेशेंट, वी मतलब होता है लिटिल, द लिटिल पेशेंट हैड बिगन इट्स लाइफ जर्नी ऑन द बॉटल। अब यहां पर उसकी जो फीडिंग की बात हो रही है कि पहले उसको बॉटल के द्वारा फीडिंग कराई जा रही थी, बट बीइंग ओवरटेकन बाय द मीजल्स इट नीली डाइड व्हेन अ वेट नर्स वाज ऑब्टेन्ड एंड द बेबी रैलीड एंड बिगन टू थ्राइव। उसको बीच में मीजल्स हुए, उसके बाद से उस बेबी के लिए एक वेट नर्स लाई गई। वेट नर्स से मतलब समझते हो, वेट नर्स उस समय कराई जाती थी फीडिंग के लिए। अगर मदर इज इनकेपेबल ऑफ फीडिंग द चाइल्ड, अ वेट नर्स वॉज गिवन टू द पेशेंट जो फीडिंग कराती थी मिल्क की, ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी बच्चों में, तो वेट नर्स बुलाई गई। अब जो वेट नर्स बुलाई गई थी उस वेट नर्स की भी अचानक से तबीयत भी खराब हो गई, और एक और चीज उसके साथ क्या हुई, इतनी ओवर फीडिंग हुई उस वेट नर्स की कि उस वेंट ड्राई, मिल्क प्रोडक्शन उस वेट नर्स का खत्म हो गया। तो जब वेट नर्स का मिल्क प्रोडक्शन खत्म हो गया तो एक नई वेट नर्स मंगवाई गई उस बेबी के लिए। द न्यू वेट नर्स वॉज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बट हैविंग गॉन इन टू द मैरिलेबोन वर्क हाउस शी वॉज रीवैक्सीनेटेड द डे बिफोर शी टुक चार्ज ऑफ दिस बेबी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब ये न्यू वेट नर्स फीडिंग के लिए बच्चे के लिए बुलाई जा रही थी ना, उसके जस्ट एक दिन पहले रीवैक्सीनेट करी गई थी वो वेट नर्स। ऑल वॉज फाइन वेन आफ्टर टू, अब ये फीडिंग कराने आई, एक दिन पहले रीवैक्सीनेट हुई है, अब ये जब कराने आई उसके 2-3 दिन बाद से ही बच्चे की तबीयत खराब होना चालू हुई। ऑल वॉज फाइन वेन आफ्टर 2-3 डेज वन आफ्टरनून इट वेंट वेरी इल, बच्चे की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई। एंड गेटिंग मच वर्स टूवर्ड्स द इवनिंग आई विजिटेड दिस बेब इन द वार्म एरी नर्सरी एंड इन्वेस्टिगेटेड एवरीथिंग, देयर वॉज नथिंग टू अकाउंट फॉर द सडन चेंज। अब यहाँ पर डॉक्टर बर्नेट कह रहे हैं मैं गया उस बच्चे को देखने के लिए, पर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो अकाउंट कर सके इसके इतना अचानक से बीमार पड़ने के, ये सडन इल कैसे हुआ, ये सडन इतना चेंज कैसे आया बच्चे में। अभी तक सही था, दो जो पहली वाली वेट नर्स थी उसे फीडिंग हो रही थी, रिकवर कर रहा था, बढ़िया एकदम हेल्थ थी उसकी, ये अचानक से चेंज कैसे आया। बीवी वॉज गास्टली वाइट एंड इन कोलैप्स, ऑन क्वेश्चनिंग द वेट नर्स अबाउट हर ओन हेल्थ शी रिमार्क दैट शी वॉज क्वाइट वेल बट हर रीवैक्सीनेटेड आर्म वॉज अ लिटिल पेनफुल। जब बर्नेट ने उस वेट नर्स से इंक्वायर किया कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपको तो कोई परेशानी नहीं है, तो उसने बोला वैसे तो वो एकदम हेल्दी है, पर जब से ये वैक्सीन लगा के आई है ना, एक दिन पहले जब गई थी बच्चे के पास गई थी, तब से उसमें पेन हो रहा था और उस पेन के साथ साथ वेसिकुलर स्टेज में इरप्शंस भी प्रेजेंट है वहां पर, जो कि एकदम पस्टुलर होने के पॉइंट पे हैं, कगार पे हैं। वो ऑब्जर्वेशन था बर्नेट का, वो लोकल फिनोमेना जो हमने पढ़ा एक्यूट वैक्सीनेशन के दौरान होता है, उसमें वेसिकुलर इरप्शन हो रहे थे, पेनफुल था, और वो जस्ट पस्टुलर टर्न होने वाले थे अकॉर्डिंग टू बर्नेट। I thought the matter over a little and came to the conclusion that the poor little thing was in point of fact sucking the vaccinal poison from its nurse through the milk. Dr. Burnett ने ये concept अपने दिमाग में सोचा थोड़ा time लेके कि ये जो छोटा बच्चा है इसकी तबीयत इसलिए खराब हो रही है क्योंकि ये जो revaccinate करा के आई है, ये vaccinal poison अपने अंदर लगवा के आई है ना, it has been transferred through the milk of the mother, the wet nurse to the child. इस बेसिस पे, इस इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन जो हम वहां एलन में पढ़ रहे हैं, इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, ये जो वैक्सीनेशन उस वेट नर्स ने लगाया जिसका इल इफेक्ट उस बेबी पे आ रहा है, इस बेसिस पे डॉक्टर बर्नेट ने थूजा स्टिक्स दी बेबी को भी और उस नर्स को भी, एवरी हाफ और एवरी वन आवर, वो बोल रहे हैं उनको बहुत पर्टिकुलरली याद नहीं है। उस शाम को जब उन्होंने फिर से गए और उस बच्चे को देखा, तो उन्होंने देखा कि बच्चा आराम से सो रहा है
और थोड़ा कम गैस्ट्री लुक है उसके अंदर, थोड़ा कम कोलैप्स वाला लुक है उसके अंदर। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो गए उन्होंने देखा वो बच्चा थोड़ा बहुत पेल तो है पर प्रैक्टिकली अच्छा है, और जो नर्स थी जिसके आर्म में वेसिकुलर इरप्शन था जो पस्टुलर होने वाला था वो इरप्शन जा चुके हैं, इरप्शन खत्म हो चुके हैं। एंड द बेबी नेवर लुक बैक, वो बेबी उसके बाद भी उन बर्नेट के पास दिखाने आता था और वो आज एक बहुत ही सक्सेसफुल चाइल्ड है, उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है उसके पास। ये बेसिस था जो बर्नेट को ये भरोसा दिलाया कि थूजा हैज द पावर ऑफ ट्रीटिंग द इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन। और वो इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन को कैसे डिफाइन करा था वो हमने पहले पढ़ा, वैक्सीनोसिस से डिफाइन करा था जिसमें अक्यूट भी होता है क्रॉनिक भी होता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं अगर आप वो बुक पढ़ोगे वैक्सीनोसिस की बर्नेट की, ऐसे लाखों केसेस हैं जो क्लार्क टाइलर कैंट और उसके बाद आपका बर्नेट जिन्होंने वैक्सीनेशन के बेसिस पर, आज भी हम देखते हैं हमारे टीचर्स के क्लिनिक पे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन में थूजा हैज वर्क्ड लाइक अ मिरेकल, पूरी पूरी परेशानी खत्म कर देती है बस इस पॉइंट पे। पर क्या है इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज, ये इस वजह से नहीं है कि बस ये इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन है, जो इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन आ रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन थूजा से मैच भी कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं तो इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन में आप ब्रैकेट में देखो एंटीमोनियम टार्ट और सिलिशिया भी लिखी हुई है, क्या मतलब क्या है, क्या सिर्फ थूजा में होता है? नहीं, मेलेंड्रिनम इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट रेमेडीज, याद रखिएगा, यहां नहीं लिखा है, केंट रिपोर्ट्री में आप पढ़ोगे, इसमें होता है बहुत प्रोमिनेंट है, पर एंटीमोनियम टार्ट सिलिशिया मेलेंड्रिनम में भी होता है। अब इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन कॉज मिल गया आपको, जो शशि ने पिछली बार पूछा था ना कि सर फंडामेंटल कॉज कैसे ढूंढेंगे, ये ऐसे ढूंढेंगे, इंक्वायर करो कब से दिक्कत है, बोलेगा जब से वैक्सीनेशन कराई है तब से मैं हेल्दी हूं ही नहीं, तब से कुछ ना कुछ दिक्कत लगी ही हुई है। अब आप पढ़े होगे वैक्सीनेशन, आप पढ़े होगे इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, आप पढ़े होगे सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ थूजा एंटीमोनियम टार्ट सिलिशिया मेलेंड्रिनम, जो मैच कर रहा है होम्योपैथिकली उसको दो, इट विल वर्क। ये है बेसिस, ये इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन जो इतना छोटा सा लिखा है ना, ये है उसका इंपॉर्टेंस। इट वर्क्स इन अक्यूट आल्सो, इट वर्क्स एज अ क्रॉनिक आल्सो। अब अगर तुम रेपर्टरी पढ़ोगे कैंट रेपर्टरी में, थूजा का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं कितना इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन के केसेस में, थूजा एज अ सिंगल रेमेडी और हाईएस्ट ग्रेडेशन में, इटैलिक्स में या बोल्ड में, तीन तरह के ग्रेडेशन होते हैं, इटैलिक्स नॉर्मल रोमन और बोल्ड, कितने जगहों पे थूजा दी हुई है कैंट रिपोर्टरी में, सिंगल भी और एक दो के साथ भी। आईज में इन्फ्लेमेशन है क्या, वैक्सीनेशन आफ्टर, इल इफेक्ट आफ्टर वैक्सीनेशन, क्या है इल इफेक्ट, आई में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सिंगल रेमेडी इन रोमन, सबसे लोएस्ट है पर सिंगल है थूजा। स्टमक में पेन हो रहा है आफ्टर वैक्सीनेशन, हाईएस्ट ग्रेडेशन में बोल्ड में सिंगल रेमेडी थूजा। रेक्टम डायरिया हो रहा है वैक्सीनेशन आफ्टर, एंटीमोनियम टार्ट सिलिशिया थूजा, थूजा इन इटैलिक सेकंड ग्रेडेशन। रेस्पिरेशन एस्थमेटिक चिल्ड्रन आफ्टर वैक्सीनेशन, नॉर्मल अडल्ट्स में एस्थमेटिक रेस्पिरेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है वैक्सीनेशन के आफ्टर या बच्चों में हो रही है, दोनों में थूजा इज अ सिंगल रेमेडी इन कैंट रिपर्टरी। खांसी कफ होना वैक्सीनेशन के बाद, थूजा सिंगल रेमेडी इटैलिक्स में। एक्सट्रीमिटीज में इमेसिएशन अपर लिम्स में आफ्टर वैक्सीनेशन, आर्म्स में अचानक से पतला होना आर्म्स का, इमेसिएशन होना कब से, जब से वैक्सीनेशन लगाई है तब से ये हो रहा है। मेलेंड्रिनम एंड थूजा हमने बताया, मैंने बताया था मेलेंड्रिनम ऑल्सो अच्छी रेमेडी है, मेलेंड्रिनम एंड थूजा। एक्सट्रीमिटीज फेलन बिगनिंग इन नेल, पेरोंकिया पेनरिशियम एनोंकिया वैक्सीनेशन आफ्टर, सिंगल रेमेडी इन हाइएस्ट ग्रेडेशन इज थूजा। देखो इंपॉर्टेंस थूजा की, सिंगल रेमेडी है, इटैलिक्स में भी है, बोल्ड में भी है, नॉर्मल में भी है, पर सिंगल है। इंपॉर्टेंस देखो वैक्सीनेशन के बाद, इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन में थूजा की इंपॉर्टेंस देखो। एक्सट्रीमिटीज पैरालिसिस लोअर लिम्स, पैरालिसिस हुआ लोअर लिम्स का वैक्सीनेशन के बाद, थूजा सिंगल रेमेडी। सेपरेशन हुआ फिंगर नेल्स का वैक्सीनेशन के बाद, थूजा सिंगल रेमेडी हाईएस्ट ग्रेडेशन। स्वेलिंग हुई शोल्डर की वैक्सीनेशन के बाद, एपिस एंड थूजा। स्वेलिंग हुई अपर आर्म की वैक्सीनेशन के बाद, सिलिशिया सल्फर थूजा। और जनरलिटीज में वैक्सीनेशन आफ्टर जो जो रेमेडीज बताई हैं डॉक्टर केंट ने वो ये हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेडेशन में आती हैं आपकी सिलिशिया सल्फर थूजा एंड मेलेंड्रिनम।
और बाकी एपीएस आर्सेनिक हीपर टालीक्लोर और इचिनेशिया भी है। तो ये चीज दिखाने का मेरा मतलब ये था कि जो इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन आप एलन कीनोट्स में इतना छोटा सा पढ़ रहे हो ना, देखो उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, देखो कैसे कैसे केसेस उससे ट्रीट होते हैं, देखो कि वो एक इतना छोटा पॉइंट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में विल बी द पॉइंट वेयर यू गिव क्योर टू द पेशेंट। आप इसी पॉइंट पे लोगों को ठीक कर सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में। इसीलिए इसका जानना, इसका समझना, वैक्सीनेशन को पढ़ना, वैक्सीनोसिस बर्नेट से पढ़ना, एलन कीनोट में वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस समझना इंपॉर्टेंट है। क्लार्क लिखते हैं, क्लार्क ऑल्सो एक्नोलेजेस इट्स वेरी वाइड यूजफुलनेस, पीपल आर ऑल वैक्सीनेटेड एंड ड्रिंक टी। लोग बोल रहे आज के जमाने में कौन है, आप सोचो, क्लार्क ने तो बहुत पहले लिखा था, आज के जमाने में कौन है, और अब खासकर अब जो वैक्सीनेट नहीं होगा कोविड के बाद, कोई ऐसा बचेगा? मुझे नहीं लगता, बहुत ही कम लोग होंगे जो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे। और कौन है जो चाय नहीं पीता, चाय भी बहुत सारे लोग पीते हैं। और डॉक्टर क्लार्क एक बहुत विटी लैंग्वेज में लिखे हैं कि पीपल आर ऑल वैक्सीनेटेड एंड ड्रिंक टी, सब वैक्सीनेट कराते हैं और सब चाय पीते हैं, और थूजा क्या है, दोनों का एक ग्रेट एंटीडोट है, एक्सेसिव टी ड्रिंकिंग का और एक्सेसिव वैक्सीनेशन का। अब यहां पर मैं आपको वापस ले जाना चाहूंगा उसी बोगर साइनोप्टिक कीनोट पे। अब वर्स में देखो क्या लिखा है, दो और चीज मार्क करी है, वैक्सीनेशन और टी, इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन या टी, चाय एक्सेसिव पीने से दिक्कतें होना। अब यही एलन कीनोट्स में आप थूजा खोलो और आगे पढ़ो, टी से रिलेशन दिया है कि नहीं दिया है, टू टेक फ्रॉम टी ड्रिंकिंग, आगे एक सिम्टम है, हेडेक पढ़ोगे एक अलग से लिखा हुआ है सेमीकोलन के बाद फ्रॉम टी, एलन की नोट्स में पढ़ो हेडेक सेक्शन में थूजा के, फ्रॉम टी एक्सेसिव टी ड्रिंकिंग से वर्स टी, इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन टू टेक फ्रॉम टी ड्रिंकिंग। ये सब इंपॉर्टेंस दिखाता है, ये सब इंपॉर्टेंस दिखाता है कि किस चीज से दिक्कत होती है। इसीलिए क्लार्क ने यह स्टेटमेंट यहां पर इतनी विटिली लिखा है। डॉक्टर रॉजर मॉरिसन की किताब आती है, उन्होंने लिखा है कि देयर एग्जिस्ट थ्री मेन प्रिकॉसर्स टू द क्रॉनिक कंडीशन ऑफ थूजा। थूजा जैसी जो क्रॉनिक कंडीशन पैदा होती है ना, उसका तीन प्रिकर्सर होते हैं, तीन चीजें हैं जो पीछे मिलेंगी आपको, या तो मिलेगा सप्रेस गोनोरिया, या तो मिलेगा सप्रेस वॉट्स, या तो मिलेगा वैक्सीनेशन। बहुत ज्यादा बहुत बहुत बड़ी मार्जिन ऑफ केसेस में इफ यू आर गिविंग थूजा इन अ क्रॉनिक कंडीशन, बैकग्राउंड में यू विल हैव टू फाउंड समथिंग लाइक गोनोरिया का सप्रेशन या सप्रेस्ड वॉट्स या वैक्सीनेशन के इल इफेक्ट्स। इतना इंपॉर्टेंस है इन जो हमने अभी तीन चार लाइन एलेंस की पढ़ी, जो हम यूं रीड करके चले जाते हैं पर इसका बैकग्राउंड नहीं समझते। ये वो बुक है डॉक्टर कॉम्प्टन बर्नेट की, वैक्सीनोसिस एंड इट्स क्योर बाय थूजा विद रिमार्क्स ऑन होम्योप्रोफाइलेक्सिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी छोटी बुकलेट है, जितनी वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली है सेम साइज की है, दोनों का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिम्फैटिक हम पढ़ चुके हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी के कोई डाउट्स हैं, किसी को कोई डाउट है किसी भी चीज के रिगार्डिंग जो हमने पढ़ा? कोई भी डाउट हो अभी क्लियर कर लो, वैक्सीनेशन वाली बात जो कही, वैक्सीनोसिस के रिगार्डिंग है, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो।